नमस्कार, मेरा नाम दिलासा दास है और आप देख रहे हैं DTW24 न्यूज। आज 30 अक्टूबर है और अब वक्त हो चला है दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। आज बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव में आज कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग समाप्त होने तक 46% तक मतदान हुआ है। परिणाम 2 नवम्बर को घोषित कर दिए जाएंगे। दिवाली और छठ पूजा के मौके पर बिहार दिल्ली रूट यात्रियों की होने वाली अतिरिक्त भीड़ के मद्देनजर पूर्व मध्य रेलवे 2 जोड़ी यानी 4 नई स्पेशल ट्रेन चला रही है। इन गाड़ियों में सभी कोच आरक्षित श्रेणी होंगे, कुल 23 कोच होंगे। शाहरुख खान के बेटे आर्यन को मुंबई क्रूज शिप ड्रग्स केस में काफी संघर्ष के बाद 28 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली। आर्यन के साथ अरबाज मर्चेंट मुनमुन धमोचा को भी बेल मिल गई है। इस केस में NCB ने कुल 20 गिरफ्तारियां की थी। रात के अंधेरे में बीजेपी के एक बड़े नेता ने लालू यादव से मुलाकात की है। मुलाकात आज रात यानी शुक्रवार की रात राबड़ी देवी के आवास पर हुई थी। इस मुलाकात में लालू यादव, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और RJD के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी भी शामिल थे। बिहार विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने इस बड़े नेता का लालू प्रसाद से मिलना राजनीति में कई संकेत दे रहे हैं। मुखिया का चुनाव हारी पत्नी तो पोस्टमैन पति ने किया कारनामा, गुस्से में जला दिए सारण के ग्रामीणों के आधार कार्ड। मुखिया का पति चुनाव हारने वाली एक महिला के पति पोस्टमैन पोस्ट ऑफिस में काम करता था, जो अपने कारनामे से सभी को हैरान कर दिया है। बता दें कि नाराज पोस्टमैन ने पोस्ट ऑफिस में आए ग्रामीणों का आधार कार्ड जला दिया। देश भर में अक्टूबर माह में तेल के दामों में रिकॉर्ड महंगाई हुई है। पेट्रोलियम विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अनुसार दिल्ली में आज यानी 30 अक्टूबर को पेट्रोल की कीमत 108.99 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है। वहीं डीजल अब 97.72 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। खिताब के प्रबल दावेदार इंग्लैंड की टीम मौजूदा T20 वर्ल्ड कप में आज सुपर 12 राउंड में ग्रुप 1 के मुकाबले में चीर प्रतिद्वंदी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान में उतरेगी, तो उम्मीद है कि टूर्नामेंट में उसे पहली बार कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी संघर्ष करना पड़ा था। संघ लोक सेवा आयोग के आज भारतीय वन सेवा 2020 का अंतिम परिणाम जारी किया। इंटरव्यू अक्टूबर 2021 में आयोजित किए गए थे और मुख्य परीक्षा फरवरी और मार्च के महीने में आयोजित की गई थी। जारी मेरिट लिस्ट में कुल 89 उम्मीदवारों को आयोग पास घोषित किया है, जिसमें पहला स्थान पर सूरजबेन के आर हैं, तो दूसरे स्थान पर गोबिल्ला विद्याधारी हैं और तीसरे स्थान पर पालुवाई विष्णुवर्धा रेड्डी ने अपना नाम दर्ज किया है। मधुबनी खुटाना मुख्य सड़क पर गंगा पेट्रोलियम के पास शुक्रवार को खाई में फंसी एक स्कॉर्पियो की तलाशी ली गई, जिसमें भारी मात्रा में नेपाली देशी शराब बरामद की गई। वही अब स्कॉर्पियो चालक पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। बता दें कि चालक की पहचान झंझारपुर थाना क्षेत्र चनौरा गोठ निवासी श्याम ठाकुर के रूप में हुई है। जयनगर अनुमंडल क्षेत्र में पिछले एक दशक में 7 अधिकारी व 3 कर्मी घूसकांड में विजिलेंस के हत्थे चढ़ चुके हैं। वहीं देवदा थाना क्षेत्र में एक ASI सुभाष चंद्र राम व चौकीदार सह मुंशी रामप्रीत पासवान को 26,000 रुपये घूस लेते निगरानी टीम ने धर दबोचा है। वहीं इससे पहले भी 2012 में भी जयनगर निबंध कार्यालय के रजिस्ट्रार मोहन कुमार को निगरानी टीम ने 25,000 घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा था। तो आज दिन भर की 10 बड़ी खबरें ये थी। बहरहाल, आप तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे और देखते रहे DTW24 न्यूज़। शुक्रिया।